परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये अल्फाज उस महिला के लिए एकदम सटीक बैठते हैं जिनके हुनर ने आज उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। अपने सुरों से लाखों दिलों को जीतने वाली सुर कोकिला, जिनका सफर पश्चिम बंगाल की रानाघाट स्टेशन से शुरू हुआ, आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जिसकी वो हकदार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बंगाल के सोशल मीडिया से गायिका बनने का सफर तय करने वाली रानू मंडल की। मैं हूँ शुभांगनी दुबे और टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें रानू एक गाना गुनगुनाती है। इसके बाद कुछ और वीडियोज़ भी आते हैं जिन्हें हम फिर आपके लिए लेकर आते हैं। आप सभी दर्शक उन वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमारा चैनल टैलेंटेड इंडिया आप सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता है, क्योंकि आज हमारे पास एक अच्छी खबर है। जी हाँ, रानू मंडल को देश की जनता ने इतना प्यार दिया है कि उनकी सफलता का सफर अब शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं जिन्हें देखकर आपको भी महसूस होगा कि आपके एक शेयर से वाकई किसी की जिंदगी बदल चुकी है। ये मौसम क्यों साजे, ये पायल क्यों बाजे, ये प्यार का खवा आने लगे, कोई बता दे, कोई बताने ना, ये मैं जानूं या तुम जाने, हाँ इस बात को कोई क्या जाने, हाँ तेरा मेरा दिल छू मेरे झूमे, हाँ तेरा मेरा दिल छू मेरे झूमे, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम ठंड के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। कुछ हफ्तों पहले की ही बात है, रानाघाट स्टेशन में लता मंगेशकर के गाना गाते इनका जीवन चल रहा था। फिर फेसबुक के जरिए एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो ने इनका जीवन बदल दिया, जो कि अब एक नए जीवन की शुरुआत है। रानू मंडल को कोलकाता, मुंबई, केरल और यहां तक कि बांग्लादेश से भी अब कॉल आ रहे हैं। कई जाने माने लोगों ने इनकी प्रशंसा की है और तो और उन्हें गाने रिकॉर्ड करने के भी प्रस्ताव आ रहे हैं। रानू मंडल को कोलकाता, मुंबई, केरल और यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी कॉल आ रहे हैं। कई जाने माने लोगों ने इनकी प्रशंसा तो की है और उन्हें गाने रिकॉर्ड करने के लिए भी बुलाया है। इतना ही नहीं, रानू को अब मुंबई में एक रियलिटी शो में गाने का चांस भी मिला है। इवेंट ऑर्गेनाइजर से रानू के मुंबई में होने वाले खर्च में मदद करने वाले हैं। पहले ही रानू की तस्वीरें फेसबुक पर वायरल हो चुकी है और इसलिए उनके लिए विशेष सुविधा देने की बात की जा रही है। रातोंरात सेलिब्रिटी बनी रानू की शादी मुंबई के बाबुल मंडल से हुई थी, लेकिन पति के देहांत के बाद वह रानाघाट वापस लौट आई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर खींच कर किस्मत उन्हें मुंबई ले जा रही है। इससे पहले वह ट्रेन और स्टेशन में गाना गाया करती थी, पर अब उन्हें मंच मिल रहा है। वो कहते हैं ना, जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो आज हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। इसी शायरी के साथ हम एक बार फिर आपको इस सुर कोकिला के गाने सुनवाते हैं और दुआ करते हैं कि इनके आगे आने वाले संगीत का सफर बेहतरीन और यादगार साबित हो। कुछ पा कर खोना है, जीवन
जवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। दारुण दारुण दारुण, खूब सुंदर खूब सुंदर। बात को कोई क्या जाने, हाँ तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, हाँ तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।